लखनऊ से ही है, जहां पर आपको बता दें कि दो दिन में लखनऊ व पांच दन क्षेत्र में रहेंगे यूपी सरकार के मंत्री। सरकार ने जनता से सीधे जुड़ने की कवायद शुरू कर दी है और सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों को साफ तौर पर ये निर्देश भी दे दिए हैं। पांच दिन अपने क्षेत्र में रहेंगे यूपी सरकार के मंत्री और जनता की हर एक समस्या का समाधान करने की यहाँ पर कोशिश इनकी ओर से की जाएगी। मंत्रियों का सिर्फ दो दिन लखनऊ में रहने के निर्देश हैं, तो मंत्रियों को साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ दो दिन आप लखनऊ में रहेंगे, बाकी के दिनों में आप जनता के बीच जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, ताकि जनता की हर एक समस्या का समाधान किया जा सके। और आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी साधने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार निरीक्षण में जुटे हुए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी सभी मंत्रियों ने अब कमर कस ली है। दयाशंकर सिंह भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मंत्री सोमवार और मंगलवार को लखनऊ में रहेंगे और शुक्रवार से लेकर रविवार तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे मंत्री। तीन महीने में अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी करना होगा सार्वजनिक, तो तीन महीनों के भीतर ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक करना होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर लखनऊ से ही आपको बता दें, जहां पर सरकार की ओर से साफ तौर पर अपने मंत्रियों को ये बड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि सोमवार और मंगलवार को मंत्रियों को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहना होगा। जो भी सरकार से जुड़े कार्य होंगे उनको निपटाने होंगे, लेकिन बाकी के दिनों में शुक्रवार से लेकर रविवार तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे मंत्री। बरसात में लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बिल्कुल साफ निर्देश हैं सरकार के, कहा गया है कि दो दिन लखनऊ में रहिए, बाकी के दिनों में जनता के बीच जाइए। मंत्री भी अब जनता के बीच जाएंगे ताकि समस्याओं को समझ सकें और उनका निपटारा कर सकें। जी बिल्कुल, आपको बता दूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में हर रोज नए चौंकाने वाले निर्णय ले रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया था। उसके बाद फिर दिया कि उन्होंने मंडलीय स्तर के मंत्रियों को मंडल 17 मंडल में सभी मंत्रियों को प्रभारी बनाया, उसके साथ स्वतंत्र मंत्री और राज्य मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। अब एक नया फरमान मुख्यमंत्री की तरफ से आया है जिसमें यह निर्देश दिया गया है सभी मंत्रियों को, योगी सरकार के सभी मंत्रियों को यह निर्देश जारी किया गया है कि सभी मंत्री राजधानी लखनऊ में केवल और केवल दो दिन ही बिताएंगे, बाकी का समय जनता के बीच बिताएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में बिताएंगे, वहां के जनता से, जनता के बीच होंगे, जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। उसके अलावा सरकार, वो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकारों की योजनाओं, दोनों सरकारों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, उनको उसका लाभ दिलाने का काम सभी मंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया है, एक निर्देश और आदेश दोनों समझा जाए इसको, मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया, चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी मंत्रियों की यह ड्यूटी लगाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पे थे, करीब 5 घंटे पांच कालिदास मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने बिताया था और एक एक कर सभी मंत्रियों से 5-5 मिनट का समय दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने सभी मंत्रियों को यह गुरु मंत्र दिया था कि अगर 2024 में जीतना है तो जिस तरह से 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है, तो अगर 24 में उनका समर्थन लेना है, सपोर्ट लेना है, तो उनके बीच आप सबको रहना है, सरकार की सभी योजनाओं को, उनका योजनाओं का लाभ वहां के प्रदेशवासियों को, जिला वासियों को, ग्राम वासियों तक पहुंचाना होगा। तो मुख्यमंत्री का यह निर्देश मानते हुए अब सभी मंत्री केवल और केवल दो दिन राजधानी लखनऊ में अपने कार्यालय। बिल्कुल, यानी साफ निर्देश दिनेश जी कहीं ना कहीं अब सरकार की ओर से इन मंत्रियों को दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ सबसे हम यहाँ पर यह भी हो जाता है कि अब हर तीन महीने में अपना ब्यौरा भी संपत्ति का देना होगा। खैर, देखना होगा इसका कितना असर देखने को मिलता है और जनता इनके इस फरमान से कितनी खुश नजर आती है। शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर अब दो दिन लखनऊ और पांच दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे मंत्री जी और जनता की समस्याओं को करेंगे निपटारा।